नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेटॉक की एक और नई कड़ी में। मैं आपको बताऊं कि इस बार मैं जो पहला सेगमेंट चूज कर रहा हूं, ये मैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के आ रहा हूं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इस समय एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सालों से एक कहा जाए तो नीचा स्तर देखते आ रही है काम का। जो उसकी ग्लोरी थी 70-80 के दशक में, आप उसकी फिल्में देखते जा करके, मैं तो उस जमाने में देख चुका हूँ इसकी फिल्में 70-80, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ 90 के दशक तक। कन्नड़ फिल्मों में एक अलग चार्म होता था। आपको मालूम है कि इनकलाब जो फिल्म है अमिताभ बच्चन की, वो भी एक कन्नड़ फिल्म से ही जो है कॉपीड थी। जी हाँ, काफ़ी फिल्में जो आपको नहीं पता है कि आप हिंदी फिल्मों में देख रहे होते थे, वो फिल्में एक्चुअली कन्नड़ फिल्म से ही जो है रीमेक की जा रही होती थी। वो ज़माना कहाँ था, कैसा था, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आज की आप कन्नड़ फिल्में देखें। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में कन्नड़ फिल्में जो हैं वो फिर से अपने उफान की तरफ जा रही हैं, और इस साल तो कन्नड़ फिल्म जो है एक के बाद एक अच्छी फिल्में दे रही हैं, उसी तरह एक अच्छी एक्ट्रेस भी दे रही है हमें। पहली बार श्रीनिधि शेट्टी, श्रीनिधि शेट्टी जो है KGF में काम कर रही हैं, और श्रीनिधि शेट्टी को इस फिल्म के फिनिश होने के पहले, रिलीज होने के पहले इतने सारे ऑफर आ रहे हैं तमिल फिल्मों से, तेलुगु से और अन्य इंडस्ट्री से भी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सीरियस हैं बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड से उनके पास मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। श्रीनिधि जो हैं वो पहली बार पर्दे पर आएंगी, बड़े पर्दे पर, और मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि देखिए होता क्या है, इंडस्ट्री के अंदर तो बात फैल ही जाती है, और इंडस्ट्री के अंदर अगर बात फैली है, अच्छी बात फैली है, तभी जाकर के श्रीनिधि को जो है इतने ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि ज़रा सा भी जो है नेगेटिव गया होता वर्ड ऑफ माउथ की, नहीं लड़की सेट पर अच्छा बिहेव नहीं कर रही, या लड़की जो सीन है उनको एक टेक में नहीं कर रही, लड़की जो है वो इमोशंस ठीक से नहीं ला पा रही, अगर इस तरह की बातें फैल रही होती इंडस्ट्री में, तो शायद श्रीनिधि को दोबारा काम नहीं मिल रहा होता इतनी आसानी से, वो भी पहली फिल्म रिलीज होने के पहले। तो मैं आशा करता हूँ कि जो श्रीनिधि के ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री एक फेथ डाल रही है अपनी कि ये लड़की अच्छा काम कर सकती है, श्रीनिधि इस बात को जो है समझेंगी और श्रीनिधि इस बात पर जो है खरी उतरेंगी, क्योंकि हम इस समय तक जो है बहुत कम पोर्शन देख पाए हैं ऐसा जिसमें कि श्रीनिधि दिखाई दे रही हो। फिल्म के जो ट्रेलर आए हमारे सामने, वो उसमें सिर्फ एक छोटी सी झलक देखने मिली श्रीनिधि की, ना हिस्ट्रॉनिक्स देखने मिला, ना पूरा ड्रामा देखने मिला उनके, इनफैक्ट एक भी डायलॉग भी तक हमें सुनने के लिए नहीं मिले। तो एक छुपी हुई वस्तु है, शी इज स्टिल अ हिडन प्रॉपर्टी। मैं आशा करता हूँ कि वो जो है अच्छा काम कर रही है फिल्म में, और आशा क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रही हैं। देखते हैं कि हिंदी की किस फिल्म को वो साइन करती हैं। जैसे ही वो साइन करेंगे अपनी पहली हिंदी फिल्म, मैं आपको सबसे पहले आकर के बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। हो सकता है मैं अगले सेगमेंट में ही बता दूं, इसलिए आप कृपया करके चैनल मत चेंज कीजिएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं।